बागवानी सुल्तानगंज निर्माणाधीन पुल धराशाही हो गया है। बहुत दुखद घटना है ये, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। सरकार से आग्रह करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ये पहली बार ये घटना नहीं घटी है। लास्ट ईयर भी एक बड़ा हिस्सा पुल का टूट के गिर गया था, उससे जस्ट 10 मिनट पहले 250 लेवर उसके ऊपर थे, उस समय भी बड़ा हादसा होता, जिस तरह ट्रेन हादसा हुआ है कल, उससे भी बड़ा हादसा होता वहां पे, तो वो बचा। लेकिन उसके बाद भी निर्माणाधीन जो उसका निर्माण करता है कंपनी है, एसपी सिंगला कंपनी है, और प्लस वहां उससे रिलेटेड इंजीनियर्स पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस समय भी जांच टीम गठित हुई थी, नितिन नवीन जी उस वक्त माननीय मंत्री थे, मैं उनसे बोला था, बोले कि स्विट्जरलैंड रुड़की आईआईटी ये सब का टीम है, रिपोर्ट आएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, रेक्टिफाई भी किया जाएगा। इस बार विधानसभा के सत्र के दौरान मुझे खबर मिला कि अच्छे क्वालिटी का कार्य नहीं हो रहा है पुल में। वहां के स्टाफ ने मुझे फोटो भी भेजा, मैं विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी भी उसका जवाब दिए कि नहीं, अच्छे क्वालिटी का काम होगा। मैं बोला कि मुझे अंदेशा है कि आगे कुछ बड़ी दुर्घटना नहीं घट जाए, जो उसका रिपोर्ट आ जाता तो उसके अनुसार कार्रवाई और रेक्टिफाई करके उसको पुल निर्माण करना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो मुझे जिस बात का अंदेशा था वही हुआ, आज पिलर भी धराशायी हो गया, सुपरस्ट्रक्चर भी धराशायी हो गया। इंजीनियर से बात किया, लास्ट टाइम मैं प्रत्यामनी जो प्रधान सचिव हैं इस डिपार्टमेंट के आरसीडी के, उनको मिलके मैं फोटोग्राफ दिखाया था, पिलर्स में क्रैक हैं, व्हाट्सएप किया उनको मैं, और पिलर में जो क्रैक था बोले कि एश्योर किए कि नहीं ये रेक्टिफाई हो जाएगा। तो लेकिन अभी तक आप देख लिए क्या रिजल्ट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी कल्प्रिट्स हैं, इनफैक्ट जो सिंगला कंपनी के डायरेक्टर हैं इसमें और प्लस प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैं यही आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री से, और ये दोबारा ये घटना नहीं घटे ये आग्रह कर रहा हूं, और नहीं तो आज भी बहुत लोगों की मौत हो सकती थी, बगल से नाव जा रहा था, तो बहुत दुखद घटना है ये, इसकी घोर निंदा करता हूं। रेक्टिफाई करें, जरूरत पड़े, ऑलरेडी डिले हो गया है प्रोजेक्ट, 1 साल से ऊपर 3 साल से ज्यादा डिले हो गया है, 5 साल का था वो 8 साल हो गया है इस प्रोजेक्ट में, तो इस पे कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। अगर 2 साल डिले हो, सुपर स्ट्रक्चर पूरा तोड़ करके नया बने, पिलर तोड़ करके नया बने, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें।